नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि एजुकेशन में, जहां पर आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नई नई वीडियो अपलोड की जाती हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती हैं, तो उसे देखना ना भूलिएगा। और आज हम आपके लिए कुछ अलग टॉपिक लेके आए हैं, ये हैं वेरियस इंडेक्स के बारे में, सूचकांक 2018। तो सूचकांक 2018 में कौन कौन से देशों को फर्स्ट पोजीशन या प्रथम स्थान दिया गया, उनके नाम आपको बताएंगे। और इन सूचकांकों में इंडिया का कौन सा पोजीशन या इंडिया कौन से स्थान पर है वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि अभी एग्ज़ाम हुआ है RRB ALP का और ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें ये क्वेश्चंस बहुत ही पूछे गए थे, तो आगे भी एग्ज़ाम होंगे तो उसमें भी पूछे जाएंगे, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को देखना ना भूलिएगा। और हाँ, और उसके बाद हमारे, अगर आपको हमारी YouTube चैनल समृद्धि एजुकेशन की वीडियो अच्छी लगती है तो उन्हें लाइक करिएगा, अगर आपके दोस्तों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है उनके साथ शेयर करिए, और जिसके जिसके लिए भी इम्पॉर्टेंट होंगे तो उन्हें आप शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप समृद्धि एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बगल में एक बेल आइकॉन होगी जिससे आप टच करना ना भूलिएगा, जिससे कि हमारी कोई भी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। और अगर आपको हमारी वीडियो की PDF चाहिए तो मेरा नंबर है 7800830378, इस पर आप हमें मैसेज कर दीजिएगा। वहाँ से अगर आपको ग्रुप में जुड़ना है तो आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है वैश्विक विनिर्माण सूचकांक 2018। सबसे फर्स्ट है वैश्विक विनिर्माण सूचकांक 2018, तो इसमें है दक्षिण कोरिया का प्रथम स्थान है, इसमें दक्षिण कोरिया का प्रथम स्थान है, और इंडिया का इसमें तीसवां स्थान है। वैश्विक विनिर्माण सूचकांक 2018 में दक्षिण कोरिया का फर्स्ट है और भारत का इसमें तीसवां स्थान है। इसके बाद आगे नीचे आते हैं, सेकंड है हमारा समावेशी विकास सूचकांक 2018। समावेशी विकास सूचकांक 2018 में, तो इसमें प्रथम स्थान है नॉर्वे का, इसमें फर्स्ट पोजीशन है नॉर्वे का, तो समावेशी विकास सूचकांक में इंडिया का है 62वां, इंडिया का इसमें पोजीशन है। समावेशी विकास सूचकांक 2018 में नॉर्वे का फर्स्ट पोजीशन है और इंडिया का इसमें 62वां स्थान है। एंड नेक्स्ट है वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2018। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2018 में स्विट्ज़रलैंड का प्रथम स्थान है। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2018 में स्विट्ज़रलैंड का फर्स्ट स्थान है और इंडिया का इसमें 177वां इसमें स्थान है, इंडिया का 177 पर स्थान है। एंड नेक्स्ट है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2018। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2018 में भी नॉर्वे का फर्स्ट पोजीशन है, नॉर्वे इसमें फर्स्ट पोजीशन पर है और भारत का इसमें 22वां स्थान है, इसमें भारत का 42वां स्थान है, 42। एंड नेक्स्ट आगे देखते हैं वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2018। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2018, तो इसमें इंडिया का 44वां स्थान है और अमेरिका इसमें फर्स्ट पोजीशन पर है, इसमें इस सूचकांक में अमेरिका का फर्स्ट पोजीशन पर है और इंडिया का 44वां स्थान है। आगे आते हैं नेक्स्ट सूचकांक हमारा है वैश्विक प्रसन्नता रिपोर्ट 2018। वैश्विक प्रसन्नता रिपोर्ट 2018 में प्रथम फिनलैंड का इसमें फर्स्ट पोजीशन है और इंडिया का इसमें 133 इसमें 133वां स्थान भारत का है। ये क्वेश्चंस आया था ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन सी पोजीशन है, तो 133वां भारत का स्थान है। एंड नेक्स्ट आगे आते हैं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2018। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में हांगकांग का इसमें फर्स्ट पोजीशन है, हांगकांग प्रथम स्थान पर है और भारत का इसमें 130वां है। एंड नेक्स्ट आते हैं विश्व
प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2018, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में नॉर्वे का फर्स्ट पोजीशन है, नॉर्वे का पहला प्रदर्शन है, और ये भारत का इसमें है 138वां, भारत में इसका प्रदर्शन 128वां है। एंड नेक्स्ट आगे आते हैं ग्लोबल लिविंगबिलिटी सूचकांक 2018, ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक 2018 में वियना का फर्स्ट पोजीशन पहला, और नई दिल्ली में 112वां स्थान है। नेक्स्ट आते हैं ई सरकारी सूचकांक 2018, तो इसमें ई सरकारी सूचकांक 2018 में डेनमार्क का फर्स्ट, प्रथम पर डेनमार्क है, और भारत इसमें 96वां प्रदर्शन है। और नेक्स्ट अप आगे आते हैं वैश्विक दास्ता सूचकांक 2018, तो वैश्विक दास्ता सूचकांक 2018 में प्रथम में उत्तरी कोरिया है, इसमें इस सूचकांक में प्रथम उत्तरी कोरिया है, एंड भारत का 53 पोजीशन है, प्रदर्शन है। एंड नेक्स्ट आगे आते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, तो इसमें स्विट्ज़रलैंड का फर्स्ट है, प्रथम पे है, और भारत का इसमें 57वां स्थान है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में स्विट्ज़रलैंड फर्स्ट पे है और इंडिया इसमें 57 है। एंड नेक्स्ट आगे आते हैं वैश्विक शांति सूचकांक 2018 में आइसलैंड का प्रथम स्थान है, आइसलैंड इसमें फर्स्ट पे है, और भारत का इसमें 137 इसमें इंडिया 137 पे है, और इसमें आइसलैंड फर्स्ट पर है। अब इसके बाद आगे आते हैं, तो ये है वैश्विक प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2018, तो इसमें अमेरिका का फर्स्ट, प्रथम पर अमेरिका, एंड इसमें भारत का 44वां है प्रदर्शन। अब इसके बाद आते हैं वैश्विक चाइल्डहुड सूचकांक 2018, तो इसमें सिंगापुर का प्रदर्शन फर्स्ट पर है, और इंडिया इसमें 113 इसमें इंडिया का है, 113वां वैश्विक चाइल्डहुड सूचकांक में प्रथम पर सिंगापुर है और इंडिया 113वां। एंड लास्ट हमारा है मानव विकास सूचकांक में भी फर्स्ट पर नॉर्वे हैं और भारत का इसमें 130वां। तो इसके बाद आगे आते हैं मानव विकास सूचकांक में नॉर्वे का प्रथम है और भारत का 130वां इसमें प्रदर्शन है। तो ये कुछ सूचकांक थे जिन्हें आपको इस वीडियो में पढ़ाया गया है, ये विभिन्न सूचकांकों में भारत का ने कौन कौन सा प्रदर्शन किया गया है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, तो पूरी वीडियो आप देखिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा, और इम्पॉर्टेंट लगे आपके दोस्तों के साथ तो शेयर करना भी ना भूलिएगा, और अगर आपको यूट्यूब समृद्धि एजुकेशन की वीडियो अच्छी लगती हैं तो उन्हें लाइक कर लीजिएगा, और हमारी यूट्यूब को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इनके बगल में एक बेल आइकॉन होगी उसे आप टच करना ना भूलिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो अगर आपको हमारी वीडियो की PDF चाहिए तो ये हमारा नंबर दिया गया है 7800830378 पर आप मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ से आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, वहाँ पे PDF मिल जाएगी, नहीं तो आपको वहीं पे PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी, और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है टेलीग्राम चैनल की, वहाँ पर आप जाकर हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको इसकी PDF मिल जाएगी, तो जल्दी से आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है, तो आप सभी को बहुत बहुत जय हिंद।